तो आज से संकेत अच्छे हैं। एक बार पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और सिलसिला तरीके से चलते चलेंगे कि कैसे आज का सौदे हमको चुनने हैं, उसमें से कौन सा ट्रेड लेना है, किसको छोड़ना है। आज एसजेक्स निफ्टी 10,000 के ऊपर है, ये कल तक 9,990 तक ऐसे आपको दिखाता था। कल मार्केट ने रिदम दिखाया, अपना बेस्ट दिखाया, शॉर्ट कवरिंग करवाया कुछ हद तक और बाजार को 10,000 के ऊपर क्लोज किया। आज एसजेक्स निफ्टी करीब 38 अंक और दे रहा है, तो 10,000 के ऊपर अब टिकाने की बाजार की कोशिश है। अगर 3-4 दिन और रुक जाता है तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शॉर्ट कवरिंग के दम पर थोड़े यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाएगी। इस बार की सीरीज 28 तारीख को खत्म हो रही है, तो कुछ सरकारी बैंकों में वापस शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि बाजार को हो सकता है नए लाइफ टाइम हाई पे भी ले आए। फिलहाल एसजेक्स निफ्टी 10,062 के स्तरों पर है। एशियन मार्केट्स में कामकाज कैसे हो रहा वो देखिए। जैपनीज मार्केट काफी सपोर्ट कर रहा है, कल भी करीब 1% ऊपर था, आज भी 1% का ही इजाफा है। शंघाई यहाँ पे करीब 1/4% तक की मजबूती है, लेकिन और जो बाजार खुले जिसमें हैंगसेंग, कॉस्पी और ताइवान है, उन सब में ही बढ़त करीब करीब 0.5% के आसपास की है। तो एशियन मार्केट से क्यूज अच्छे हैं, काफी बेहतर हैं, और उसकी शुरुआत हुई थी इरमा से। इरमा ने ही बाजार को थोड़ा कमजोर किया था और इरमा ने ही बाजार को मजबूत किया है। यूएस के अंदर इरमा का जो डैमेज है या उसकी जो चिंताएं हैं वो थोड़ी कम हुई हैं, उसका फायदा यूएस के अंदर ये मिला है कि वहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग करीब 1% से ऊपर की क्लोजिंग हमको मिली है। और आप देखेंगे नेस्टेक के फ्यूचर्स और डॉ के फ्यूचर्स भी अभी भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। और क्या क्या हुआ ग्लोबल मार्केट्स में और क्या क्या संकेत हैं एक बार ये समझ लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप बताएं और क्या क्या हमको ग्लोबल मार्केट से समझ में आ रहा है। देखिए दो मेन फैक्टर्स हैं डिम्पी, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट्स में कल बड़ी तेजी देखने को मिली। एक तो आपने इरमा कहा, जो तूफान इरमा था उससे जितना एंटिसिपेटेड था, जितना आशंका थी कि नुकसान होगा, उससे कम नुकसान अब होगा क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है जैसे जैसे वो तूफान आगे बढ़ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरा जिसके ऊपर हमने कल रिएक्ट किया था, नॉर्थ कोरिया से वीकेंड पे कोई भी खराब खबर निकल के सामने नहीं आई। नेशनल डे होने के बावजूद वहां पे कोई भी ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट या ऐसी कोई खबर नहीं निकल के आई, तो उसके ऊपर कल यूएस के मार्केट ने रिएक्ट किया, जिस वजह से आपने देखा कि कल यूएस के मार्केट्स में बड़ी तेजी 0.25% तक के गेंस देखने को मिले। S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ, डाउ में 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी थी, 22,000 का जो की लेवल है उसके पार जाके क्लोजिंग देखने को मिली। तो उसी का रिफ्लेक्शन आप देखिए डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स में दूसरे दिन लगातार बढ़त जारी है, अब 92 के आसपास के जो लेवल्स है वो देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से आप देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में भी राहत है। और खासतौर पे येन के मुकाबले डॉलर में जो मजबूती आ रही है उस वजह से आप देखिए निके में करीब 1% के आसपास से गेंस हैं, बाकी मार्केट्स में 1/4 से 0.5% के आसपास की तेजी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में वापस स्ट्रेंथ लौट रही है और दो मेन जो फैक्टर्स थे नॉर्थ कोरिया और इनमा, दोनों से चिंताएं कम हुई हैं, उस वजह से ग्लोबली मार्केट्स में चेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है संदीप, एक चीज मेरे को बताइए, डॉलर इंडेक्स आप कह रहे हैं मजबूत हुआ है, कई एक्सपर्ट्स भी हमको बता रहे थे कि डॉलर इंडेक्स और मजबूत होगा, इसका फायदा कौन से सेगमेंट को पड़ेगा बाजार का? देखिए कमोडिटीज वीक हो सकती हैं, कल हमने सोने में भी देखा 1.25% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन क्रूड उससे थोड़ा अलग चाल चल रहा है। देखिए यूएस में रिफाइनरीज जो हैं इससे इरमा से भी इंपैक्ट आया था, दोबारा से जो तूफान के बाद जो रिफाइनरीज है वो शुरू होने लगी, तो उस वजह से क्रूड में कल हमने करीब 0.25% के आसपास ही गेंस बनते हुए देखे, लेकिन जो मेटल में सेल ऑफ आ रहा है उसका इंपैक्ट जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें आज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए थोड़ा मेटल्स पर दबाव रह सकता है, आप ये बात कह रहे हैं। अच्छा दूसरी एक और चीज बताइए, कल यूएन सिक्योरिटी की एक बैठक होनी थी सेंशंस को लेकर, नॉर्थ कोरिया को लेकर, उससे क्या प्रस्ताव पास हुआ? देखिए उसमें यूएस इस चीज को पुश कर रहा था कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, उसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर वोटिंग हुई भी, कुछ ऑयल इंपोर्ट्स को लेके कुछ जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। हालांकि इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया की ओर से भी बयान निकल के सामने आए कि अगर कोई पाबंदियां लगाई जाती हैं, यूएस इसके ऊपर अगर प्रेशर डाल रहा है तो इसका जो खामियाजा है वो यूएस को भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए अभी तक कोई खराब खबरें निकल के सामने नहीं आई हैं, अगर कोई कार्रवाई करता है नॉर्थ कोरिया तो उसका इंपैक्ट जरूर मार्केट्स में देखने को मिलेगा, और शायद यही कारण है डिम्पी कि आज जो एशियन मार्केट्स में गेंस हैं वो आपको कैप्ड नजर आएंगे। ये बेहतर बात आप बता रहे हैं, ठीक है शुक्रिया आपका संदीप। अभी तक कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है बाजारों से, जो भी है और शॉर्ट कवरिंग है, कुछ जो डैमेज वाली खबरें हैं उनका रिस्क कम हुआ है, इसलिए बाजार के अंदर बढ़त है। आप इसी मोमेंटम के साथ चलिए, ट्रांजिट चेंज तो नहीं है लेकिन मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। संदीप शुक्रिया। अब कुछ आंकड़े देख लीजिए FIs और DIs के, कल कैसे उनमें ट्रेड हुआ है। कल FIs की तरफ से कल फिर से बिकवाली हुई है 390 करोड़ रुपए की, ये चिंता की बात है, लेकिन मार्केट ने जिस तरह का कल प्ले दिखाया, कई दिनों की सेलिंग के बावजूद भी 10,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है और आज एसजेक्स निफ्टी मिल रहा है, तो शायद बाजार अब इस चीज को थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर रहा है कि FIs अगर बाइंग नहीं भी आ रही है तब भी आप थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रख सकते हैं।
तेज मोमेंटम जिनको चाहिए होता है वो शायद थोड़ा फिजल आउट रहेगा, फीका पड़ेगा, लेकिन वैसे ठीक है। आउटलुक सामने आपके रख रहे हैं, आज बाजार के अंदर थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये आज का कंसेप्ट है। आज शॉर्ट कवरिंग का दिन हो सकता है बाजार के अंदर, कहां पे आएगी, किस जगह पर आएगी, जरा ये भी देखिए और लेवल्स भी देखिए। निफ्टी का आज के शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर अगर चला बाजार तो 10,080 यहां तक पहुंच सकता है और एक मोमेंटम दिखा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी 24,900 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो आपके सामने भी लेवल्स हैं 24,900 तक के स्तर बैंक निफ्टी के अंदर और 10,085 तक का। अब आप सेक्टर्स भी देखिए जरा, एक तो आपको विक्स लगा के रखना है, विक्स के अंदर जब जब गिरावट आएगी तब तक अपनी एवरेज को आप खरीदारी को कीजिएगा। इसके अलावा कमोडिटीज, निजी बैंक, मेटल्स, मेटल्स में पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, डॉलर इंडेक्स से जो सीधा इंपैक्ट ना पड़ते हो, जो डोमेस्टिक खपत वाले मेटल्स हो उन पर ज़्यादा ध्यान रखिए, छोटी छोटी कंपनीज है ना मेटल की, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं। ये आपके सामने हमने आउटलुक रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी समझ लेते हैं। ब्रजेश सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं StockAxis.com के। ब्रजेश, मार्केट के अंदर करना क्या है, आज बाय ही करना है ना? गुड मॉर्निंग दिम्बी जी। देखिए बाय करने की ही सलाह रहेगी, लास्ट वीक से जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट दे रहा है नीचे में, निफ्टी ने 9800 का बेस बनाया, फिर 9900 का बेस बनाया और आज के सत्र में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का सत्र था उसमें 10,000 के ऊपर बंद हुआ, तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। और अगर किसी ने शॉर्ट किया तो दे हैव टू कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सो दैट कि उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। तो आई थिंक कि लेटर हाफ में अगर निफ्टी 10,000 के ऊपर भी सस्टेन कर गया तो एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि हो सकता है कि निफ्टी को 10,100 या 10,150 भी लेके चले जाए। इंट्राडे के लिहाज से सलाह यही रहेगी कि आप निफ्टी बाई कीजिए, 9,970 का स्टॉप लॉस लेके चलिए और लगभग 10,050-10,060 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर किसी का दो से तीन दिन का व्यू है तो 10,100-10,150 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ब्रजेश, निफ्टी समझ में आ गया, शेयर्स बता दीजिए। देखिए दो शेयर लेके चल रहा हूँ, बैंक निफ्टी का जिस प्रकार का इंडिकेशन था 24,600 के ऊपर बंद दिया, वो इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी अब 25,000 या 25,100 तक जा सकता है। सो उसको नजर रखते हुए हाई बीटा काउंटर में यस बैंक को मैंने चुना है, 1840 के आसपास में बाई करने की सलाह रहेगी, 1825 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे और 1900 का टारगेट है। और जो दूसरी कॉल ली है वो जुबिलेंट फूड है, कल के सत्र में हमने एक अच्छे वॉल्यूम के संग में हायर एंड पे इसका बंद होते हुए देखा, तो 1450 के आसपास में बाई करने की सलाह रहेगी, 1430 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और इंट्राडे के लिए 1490। और अगर व्यू किसी का दो से तीन दिन का तो 1560 तक के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। ये जुबिलेंट पे आप बाय करने की राय दे रहे हैं? हाँ जी, बाय करने की सलाह रहेगी 1430 का स्टॉप लॉस लेके। इट्स अ बाय कॉल, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, 1490 इज अ टारगेट जुबिलेंट फूड वर्क, कल काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे बंद हुआ था, 1500 तक भी जा सकता है, ये उसके ऊपर भी जा सकता है, फिलहाल तो 1500 से नीचे का टारगेट रख के बाय कीजिएगा जुबिलेंट फूड वर्क को। और एक येस बैंक है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। ब्रजेश शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए दोनों कॉल्स, येस बैंक एंड जुबिलेंट, दो कॉल हमने नोट कर लिए आज के ट्रेड के लिए। अच्छे संकेत है, निफ्टी बाय करना है 10,100 तक या 10,080 तक तो पहुंच ही जाएगा, ऐसे मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी आप नोट कीजिए जो कि अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस हमको मिल रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग, सुमित बागड़िया चॉइस ब्रोकिंग से ही है, वो कह रहे हैं कि डालमिया भारत पे आप एक बार देख सकते हैं, 2890 तक का टारगेट है। ये सीमेंट कंपनीज के अंदर कल अच्छा मोमेंटम था, ये सीमेंट की ही कंपनी है, आप इसमें एक अच्छा मूव देखेंगे, कल 1.5% ऊपर ही बंद हुआ था, तो आज 2670 का लगाइए स्टॉप लॉस, इसको बाय कीजिएगा। दूसरा शेयर जो हमको और अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से मिल रहे हैं वो है भंसाली इंजीनियरिंग, 96 तक का टारगेट है, 85 का स्टॉप लॉस है, इस पे भी आप एक सौदा खड़ा कर सकते हैं, ये मोमेंटम वाला है। पहले अर्ली ट्रेड में ना थोड़ा रुकिएगा, 2-5 मिनट वॉल्यूम दिख रहा है तब इसमें आ जाइएगा, भंसाली इंजीनियरिंग के अंदर कल 8% ऊपर बंद हुआ था। नेटको फार्मा, कल बड़ी कंपनीज टूट रही थी फार्मा की, आज जब बाजार इस लेवल पे आ जाएगा ना थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नेटको फार्मा में ध्यान रखिएगा, 775 तक का टारगेट है, 715 का स्टॉप लॉस है, ये चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन थी। आईडीबीआई कैपिटल ने भी येस बैंक पे ही राय रखी है और वो 1881 तक के लेवल दे रहे हैं, तो येस बैंक पे दो बुलिश व्यू हमको मिल चुका है। कल हमने आपके सामने डेरिवेटिव्स का डाटा भी डिस्कस किया था कि येस बैंक, कुछ निजी बैंक काफी अच्छा चल सकते हैं, आज भी हमारे लिस्ट में निजी बैंकों में मोमेंटम दिख सकता है, तो येस बैंक पे आप ध्यान रखें। सिटी यूनियन बैंक 170 तक का टारगेट है। अब आप देखिए बैंक की कॉल्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे बाजार कंफर्ट जोन में आ रहा है आपको बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाएगी, तो सिटी यूनियन है 170 के टारगेट के लिए और 160 का यहां पे एक आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुछ चुनिंदा कॉल्स थी जो कि आईडीबीआई चॉइस ब्रोकिंग से हमको मिली है, आप इनमें ध्यान रख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इस बीच आज ना इंपॉर्टेंट आंकड़े आने हैं आईएपी और सीपीआई के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर में इस पे हम चर्चा भी करेंगे कि ये आंकड़ों का बाजार पे कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आज सीपीआई जो है वो 3.2 महंगाई ये बढ़ जाएगी और 3.2 रहेगी, और अगर आईएपी की बात करें तो इस बार थोड़ा सा ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ सकती है, यही बाजार के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट था। अंचल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे अभी सीपीआई और आईएपी पे, लेकिन पहले जरा कुछ खबरों वाले शेयर्स भी देख लेते हैं, वो कौन से हैं अंचल बताएं। शुक्रिया डिम्पी। अगर आप बात करें आज खबरों वाले शेयर में तो आईपीओ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। matrimony.com का आईपीओ चल रहा है, अभी तक आईपीओ 67% सब्सक्राइब हो चुका है, ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर को शेयर प्लेस कर चुकी है कंपनी, ऑलमोस्ट 220 करोड़ के करीब की रकम जुटा चुकी है, कुल आईपीओ 500 करोड़ का है। तो अब क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा आज किस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। 13 सितंबर यानी कल ये आईपीओ बंद होगा, तो कहीं ना कहीं उससे पहले आज अगर ये पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो कल और ज़्यादा हैवी एक्टिविटी आती हुई दिखेगी इसमें। साथ ही टाटा स्टील, यहाँ पे टाटा स्टील ही नहीं टाटा ग्रुप पे आपको पूरी नज़र रखनी चाहिए। कारण ये है, जो पेंशन रेगुलेटर है, ब्रिटिश पेंशन रेगुलेटर है, उसने आरएए को मंजूरी दी है। पहले तो आरएए क्या है, आरएए बेसिकली इनका रेगुलेटेड अपॉइंटमेंट अरेंजमेंट है। बेसिकली जो पूरा मुद्दा चल रहा था यूएस में प्लांट की यूनियंस के साथ कि सही पेंशन नहीं दिया जा रहा है और जो प्रपोज किया जा रहा है वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब सुलझता हुआ दिखा है, क्योंकि जो नया प्रपोजल टाटा स्टील यूरोपा ने दिया है 555 करोड़ पाउंड का, वो मंजूर उसको मंजूरी मिल गई है। तो ये एक मुद्दा जो था काफ़ी समय से अटका हुआ था, जिसकी वजह से टाटा स्टील मर्जर कारोबार बेचने की बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, वो अब वो सुलझता हुआ दिखा है। और इसीलिए इसके इमीडिएटली बाद कंपनी की तरफ से बयान आया है कि जो थाइसन है, थाइसन कॉप, उसके साथ जो मर्जर की बात की जा रही है वो जल्द पूरी होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी क्रिटिकल रहेगा पूरे ग्रुप के लिए कि अगर कोई भी और डेवलपमेंट आती है थाइसन कॉप के साथ, अगर मर्जर की डेट्स या फाइन प्रिंट्स अनाउंस होते हैं तो पूरा ग्रुप आज बजेंगे रहेगा। इसके अलावा HCL इन्फो रेडिंगटन, देखिए HCL इन्फो में एक अपना ट्रिगर है, ट्रिगर ये है कि आज शाम, आज रात यानी हमारे लिए तो रात होगी यूएस में, तो आज से आईफोन 8 की बिक्री शुरू हो जाएगी, इसे आईफोन X कहा जा रहा है। अब क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्पल HCL इन्फो के साथ करार अनाउंस कर सकती है, और ये करार भी आज ही अनाउंस हो सकता है। साथ ही रेडिंगटन दूसरा प्लेयर है जो इंडिया में आईफोन डिस्ट्रीब्यूट करता है इनग्राम को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं अगर HCL इन्फो पहले तो करार होता है उसकी उम्मीद में आज स्ट्रांग रहेगा, और क्योंकि नया आईफोन आ रहा है तो रेडिंगटन पर डेफिनेटली एक अच्छा मूव रहेगा। टाटा कॉफ़ी यहाँ पे भी नज़र रखिएगा, बड़े निवेशकों ने इसमें करीब 10 लाख शेयर खरीदे हैं, 150 रुपये के भाव में ये ब्लॉक डील के जरिए शेयर खरीदे गए हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट आज रह सकता है, बड़े निवेशकों का नाम जुड़ रहा है कंपनी के साथ तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। और मवाना शुगर, Q1 नंबर्स का दौर अभी भी जारी है, कुछ कंपनीज अपने नंबर अभी पेश किए हैं। मवाना शुगर के मुनाफे पे देखिए, 2.9 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 35.6 करोड़ रहा है, ऑलमोस्ट 12 गुना जंप मुनाफे में आती हुई दिखी है, 12 से 13 गुना की जंप आती हुई दिखी है। आए 337 करोड़ से बढ़ के 441 करोड़ रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर मवाना शुगर ने पोस्ट किए, तो यहाँ तेजी बनती हुई दिखेगी। ठीक है, ये कुछ एक स्टॉक्स है जिसपे कहीं ना कहीं खबरें भी हैं, ध्यान रखिएगा। टाटा ग्लोबल स्पेशली ये आज का नोटिसेबल शेयर रह सकता है, कुछ बाइंग यहाँ पे होती हुई देखिए, कुछ फंड हाउसेस की तरफ से और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने भी बाय किया है। शुक्रिया अंचल ये बताने के लिए। इस बीच कुछ एक और अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। एयरटेल ने मुंबई में 4G वोल्टेज सर्विस की शुरुआत कर दी है, रिलायंस जियो के बाद देश में एयरटेल दूसरी 4G वोल्टेज सर्विस देने वाली कंपनी बन गई है। एयरटेल वोल्टेज सर्विसेज के लिए कुछ चार्ज नहीं कर रही है फिलहाल, इस सर्विसेज के तहत ग्राहक डेटा का यूज कर पाएंगे, वो वायर कॉल पर हो सकता है, इसमें वायर्स को एक ऐप की तरह डेटा के जरिए भेजा जाएगा और रिसीव किया जाता है। 4G वोल्टेज सर्विसेज के लिए 4G सिम वाले यूजर्स को सिम कार्ड बदलने की भी जरूरत नहीं होगी। 4G वोल्टेज सर्विसेज ऑन कराने के लिए कंपनी मैसेज के जरिए आपको वेब लिंक भेजेगी, जिस पर क्लिक करके ग्राहक अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद इस सर्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज भारतीय एयरटेल पे वैसे ध्यान रखना होगा, ये कल एकदम से बाजार बंद होने के बाद की खबर थी और उसका इम्पैक्ट आज काफी हद तक भारतीय एयरटेल के शेयर पे जरूर कैलकुलेट होगा। कल हमने कुणाल से भी पूछा था, वे कह रहे थे कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 402-405 की रेंज का, पार हो जाएगा तो अच्छा चल जाएगा शेयर। तो खबर भी है और खबर के साथ आपको इम्पैक्ट है, वो कैसे ट्रेड होगा ये भी आप जान पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कल शेयर बाजार के समय को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उसको लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय बढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर कल सेबी के सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कोई चर्चा ही नहीं हुई।
इससे पहले संभावना जताई जा रही थी कि बैठक में निफ्टी फ्यूचर्स की समय सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि सेबी की बैठक में ब्लॉक डील को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। एक टाइम में एक विंडो शुरू कर दी गई है जिसमें बैंक निफ्टी के अलावा कुछ दूसरे प्रोडक्ट को भी वीकली फ्यूचर शुरू करने पर चर्चा थोड़ी हुई है। इसके अलावा ब्लॉक डील की समय जो सीमा है माफ कीजिए वो बढ़ा दी गई है, वो अब 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले ये सीमा करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास की थी। तो सिर्फ यही एक बदलाव हुआ है। और अब मीटिंग में आईपीओ लिस्टिंग और कंपनीज के डी मर्जर की पारदर्शिता लाने के लिए कॉल ऑप्शंस फ्रेमवर्क के नियमों में बदलाव करने पर भी थोड़ी बातचीत हुई है, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। समय सीमा को लेकर कोई फैसला कल की बैठक में नहीं लिया गया, चर्चा भी नहीं हुई है। ये आपके सामने हमने दोनों बातें रखी हैं।